दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में सूर्यदेव प्रचंड हो रहे हैं, जिससे जंगलों में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भोटा के साथ लगती पंचायत मनसूही में 24 घंटे पहले लगी आग अभी बुझने का नाम नहीं ले रही। आगजनी की घटना से विभाग को लाखों का नुकसान हो चुका है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने से लगभग 15 से 20 किलोमीटर जंगल का एरिया जलकर राख हो चुका है। हालांकि वन विभाग की ओर से वन रक्षक लगातार आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन लपटों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने आग ना बुझा पाने पर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। कल से आग लगी है, ना कोई डिपार्टमेंट का आया, ना जो किसी ने सहयोग नहीं दिया, सिर्फ एक गांव वासी इकट्ठे होकर के मिलकर के जो कि इस आग को बुझवा रहे हैं। कल से सर कितना लगभग जंगल जल चुका होगा? काफी हेक्टर एयर से जल चुका है। जितना भी दिखाई देता है हमारी आंख के सामने उतना राख ही राख दिखाई देती है। हमें सबसे पहले तो हम प्रशासन को भी बधाई देना चाहते हैं, और जो अगार रेंज के जहाँ के मालिक के अधिकारी हैं, बीओ हैं, फॉरेस्टर हैं, रेंज अफसर हैं, उनको भी बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ गार्ड अकेला जंगल का आग नहीं बुझा सकता है। गांव वालों के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं, मगर इस जंगल के अधिकारी और शासन का कोई आदमी नहीं है। जबकि स्कूल में आग लगी हुई वो गाँव वालों ने बुझाई, गाँव के नज़दीक 100 मीटर तक आग लगी हुई है। इसमें फायर ब्रिगेड की भी कोई व्यवस्था नहीं हुई, ना ही किसी प्रशासन ने सुना, ना ही किसी शासन ने सुना, ना ही हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी आए यहाँ, जबकि उनकी ये जवाबदारी बनती है। सबसे बड़ी जवाबदारी हमारे ब्लॉक अफसर होते हैं, रेंज अफसर होते हैं, उनकी होती है, मगर उन्होंने कभी जंगल ऑफ से बाहर नहीं निकल के देखा कि हमारा जंगल क्या। ये प्लानिंग सबसे पहले फॉरेस्ट में आए से 50-60 साल पहले भी उनके फायर वाचर होते थे, मगर आज की डेट में ना कोई फायर वाचर मिलता है ना कोई मिलता है, जबकि हर गर्मी में करोड़ों का नुकसान उपलब्ध होता है, जो कि सामना सरकार को करना पड़ता है, उसका भुगतान हम सब लोगों को देना पड़ता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। अरे ये क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? अरे इस प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संभाल कर रखो, 75 रुपए किलो बिकता है ये। 10 रुपए किलो बिकने वाली रद्दी को बड़ी संभालती हो। अब प्लास्टिक कोई कचरा नहीं है, इसे बेचें, पैसा कमाएं और प्लास्टिक प्रदूषण से राहत पाएं। राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में स्थापित प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्रों में रिसाइकल न हो सकने वाले ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, नूडल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक के कचरे तथा विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैम्पू, हैंड वॉश, लस्सी, दही, जूस इत्यादि को साफ व सूखे पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा बेचा जा सकता है। चल पड़ी है ये लहर, हर गाँव हर शहर प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को मुक्त कराना है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी।